रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मैं इस समय नगरी पंचायत में हूं। ग्राम पंचायत नगरी गिरिडीह जिले के डूबी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर समृद्ध और विकसित पंचायत है। मुखिया जी हमारे साथ यहां पर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। मुखिया है आप इस पंचायत का? जी सर। कैसा काम हो रहा है अभी फिलहाल? ठीक है, काम ठीक हो रहा है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगामी पंचायत चुनाव में क्या एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष आप बतौर मुख्य प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? करेंगे। क्या लगता है जीत पाएंगे आप? एकदम अभी जनता तो खुश है सर। जनता आपसे खुश है, जीत पाएंगे आप? 100% एक तरफा विश्वास है। क्या कारण है इसका मुख्य? इसके कारण मुख्य वर्तमान स्थिति में दो मुखिया जो चल गए हैं फिलहाल, जो वर्तमान में हम इस कार्यभार को करें, वो लोग में से यार हम में से बहुत मैंने देखने को मिल रहा है काम आपसे फर्क बदलाव प्रोग्रेस विकास ये देखने को मिल रहा है अब, और यही कारण है कि आपको लगता है कि आप फिर जी जाइए। ग्राम पंचायत नगरी के वर्तमान मुखिया ज्ञानचंद दास को आप सुन रहे थे। इनके अनुसार पंचायत में ये पिछले कई वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से सक्रिय हैं, आम जनता के काम कर रहे हैं, पंचायत का विकास हो रहा है और आगामी पंचायत चुनाव में ये एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। और जीत के प्रति अगर बात की जाए तो ये अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त है और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका वजह ये है कि एक तो ये बहुत ही कर्मठ है, अपना काम बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और इनके अनुसार इनसे पूर्व जो दो मुखिया थे उनके कार्यकाल को, उनके काम करने के तरीके को, उनके द्वारा किए गए काम को इस पंचायत की जनता ने देखा है, और इस पंचायत की जनता इनके अनुसार बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, और ये जो काम बदलाव और विकास का कर रहे हैं अपने स्तर से, उन कार्यों से इस पंचायत की जनता सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, और यही वजह है कि इनको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार जब चुनाव का समय आएगा तो इस पंचायत की जनता इन्हीं को पूर्ण बहुमत के साथ बतौर मुखिया इस पंचायत से निर्वाचित करेगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दास जी। आशा करते हैं कि जिस तरह से आप इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, पंचायत की जनता जागरूक समझदार पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही समय आएगा तो उचित निर्णय लेगी। अगर आपने अच्छे काम किए तो आपको अपने अच्छे कर्मों का सही फल भी मिलेगा। मुखिया जी, पंचायत स्तर पर जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में है? पेयजल के लिए क्या कुछ किया है आपने? पेयजल के लिए सर देखिए 17-18, 18-19 सरकार द्वारा दी गई जल मिलाद जो होता है, लगभग हमने जिस जगह पानी की ज़्यादा दिक्कत होती है उस जगह हमने लगवाने का काम किया है, और स्कूल में खास करके बच्चों के लिए भी हैंडवाश का, जल मिलाद का निर्माण का कार्य किए हैं। कुप निर्माण हुआ है जी? कितनी संख्या? कुप निर्माण लगभग ज़्यादा नहीं हुई है, कम 7-8 हमारे कार्यकाल में। पंचायत की सड़कें कैसी हैं? पैबर ब्लॉक और पीसीसी पथ का कितना निर्माण हो पाया? पीसीसी जिस जगह मैंने जरूरी लग रहा था लोगों को, जिस जगह मैंने ज़्यादा कठिनाई दिक्कत हो रही थी, उस जगह हमने कर दिया है। फिलहाल जो है जो पीएचडी विभाग से जो नल जल का कार्य हो रहा है, उस स्थिति में अभी जो है सो बहुत सारे रोड जो है सो ऊपर उखड़ गए हैं, उसको पानी चालू होने के बाद फिर से दोबारा ठीक कर दिया जाए। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है, और स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट लगवाए या नहीं पंचायत? जी जी, हमने स्ट्रीट लाइट लगभग 200 लगवाए पूरे पंचायत। तो ये जो 200 लाइट्स लगे थे, वर्तमान में सभी लाइट्स काम कर रहे हैं? कुछ कुछ पानी की वजह से डिस्टर्ब हुआ, बाकी क्या करना चाह रहे हैं उनके लिए जो डिस्टर्ब है? मिस्त्री से बात किए हैं, वो उसको मरम्मति करके ठीक है। आपके पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं? आपका 6 सरकारी विद्यालय और 6 आंगनबाड़ी सेंटर। आपके सदन से कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है इन शिक्षण संस्थानों को? सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जो है सो जल का व्यवस्था किया गया है, डस्टबिन कचरा उचरा जो होता है उसकी व्यवस्था किया गया है,
बाकी जो है सो हैंड वॉश का व्यवस्था किया गया है, ये सब चीज़ हुई है। फिलहाल जो है सो हमने कन्या विद्यालय सामने है इसका मॉडलिंग लिए हैं, गोद लिए हैं जी जी। अच्छा, तो सरकार के बजट नहीं आने के कारण अभी स्थगित लॉकडाउन के कारण। पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी सर, ANM है यहाँ पर, पंचायत वासियों का इलाज हो रहा है जी। मुखिया जी, ग्राम पंचायत नगरी को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। प्रशंसनीय काम हुए हैं, अपने स्तर से अच्छा प्रयास किया जा रहा है इनके सौजन्य से पंचायत का विकास करने के लिए और पंचायत की जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। दास जी, पंचायतों में भ्रमण के दौरान कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध विरोधी सुर सुनने को मिलते हैं। विरोध में लोग बोलते हैं कि मुखिया जी हमारे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, घूस के बिना कोई काम नहीं करते, जो जो रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका साथ देते हैं, गरीबों का तिरस्कार करते हैं। सरकार की कोई भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बदले पहले पैसा दीजिए तब काम होगा। पंचायतों में कहीं कहीं इस तरह के विरोधी सुर जो हैं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध सुनने को मिलता है। आपका पंचायत, आपका काम करने का तरीका क्या है? सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है पंचायत स्तर पर, लोगों में जो भी बात आ रही है, घूस लेना ना लेना, काम करना ना करना, ये तो सिलसिला खैर राजनीतिक में मैंने समझिए एक तरह राजनीतिक की भावना से लोग देखते हैं और बात को रखते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उस तरह, लोगों को लगता है लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी के साथ हमने ऐसा व्यवहार किया है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। आपके पंचायत के पंचायत सेवक का नाम क्या है? श्री भैरवचंद महतो। कहाँ के हैं ये? बगोदर तिरला से आते हैं। तिरला बगोदर जी। रोजगार सेवक कौन है? अशोक उराम। ये कहाँ के हैं? ये तो मैंने बोकारो साइड से, लेकिन फिलहाल अभी जो है तो चैनपुर पंचायत। उप मुखिया का नाम बताइए। ज्ञानचंद दास। अच्छा, पंचायत समिति का नाम बताइए। गीता देवी। गीता देवी। सभी जनप्रतिनिधियों का आपस में कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य कैसा है? बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छा है। सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? सभी लोग की भागीदारी रहते हैं। सबकी भागीदारी जी, सामूहिक भागीदारी, सामूहिक पारदर्शिता। पारदर्शिता मैंने अच्छी रहती हो। अच्छी रहती है जी। पंचायत स्तर पर कहीं कहीं विरोधियों के द्वारा जो बातें सुनने को मिलती है, विरोध के जो सुर सुनने को मिलते हैं पंचायत के लोगों के द्वारा, उस पर अपनी राय दे रहे थे और अपने पंचायत के विषय में और अपने विषय में बता रहे थे कि इस पंचायत में ये चीजें देखने को और सुनने को नहीं मिलती है। इन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्ण तरीके से अपने पंचायत में पिछले कुछ वर्षों से काम किए हैं और आने वाले समय में भी इनका काम करने का तरीका ऐसा ही रहेगा। मुखिया जी, लगभग 3 साल से आप नगरी पंचायत में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से आपके द्वारा जो काम हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो कितने लोगों को लगभग आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया? सर, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हमको चिट्ठी मिला था, सेक डाटा के आधार पर लिस्ट मिला था, उस हिसाब से हमने लगभग 128 आदमी का इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। 128 जी सर। तो ये जो 128 लोगों को आपने आवास दिया, इसमें कितनी पारदर्शिता बरती गई, कितना ईमानदारी पूर्वक लोगों तक पहुंचाया गया? ईमानदारी पूर्वक लगभग सभी को पहुंचाया गया। इसमें से कुछ 2-4 आदमी ऐसा है जो आयोग में थे, उसको जो है हम लोग ग्राम सभा करके बैठक करके और इसको हटाने का काम किया है, सब सहमति से लेकर के बाकी सबको मिलाएगा। बात अगर पंचायत के गरीबों की जाए तो राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में कितना काम हो पाए? इसमें सर वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, सामाजिक पेंशन हो गया, इसमें से लगभग 250 से 300 के लोगों को आपने पेंशन का लाभ दिया। बात अगर की जाए शौचालय की तो इस पंचायत में कितने लोगों को आपके सौजन्य से शौचालय का लाभ मिल सका? शौचालय के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय का काम हुआ है सर 2017-18 में, 18-19 में, उसमें
लगभग 460 आदमी को हमने शौचालय बनाने का काम किया है। 460 जी। और उसी समय जो है सो मैंने 75 के आधार पर जो ODF घोषित किया भी गया था 2018 में, उसके बाद जो है सो फिर हमने चालू किया है, लगभग 100 आदमी से प्लस काम हो मैंने हो चुका है। चलिए, आप सुन रहे थे ज्ञानचंद दास जी को, मुखिया है ये वर्तमान ग्राम पंचायत नगरी के, डुबरी प्रखंड अंतर्गत ये एक पंचायत है। पंचायत स्तर पर अपने स्तर से जो काम प्रमुख रूप से मुखिया जी ने किए हैं उन कार्यों को ये हम सभी के सामने रख रहे थे। मुखिया जी, पंचायत स्तर पर जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में है? पेयजल के लिए क्या कुछ किया है आपने? पेयजल के लिए देखिए 2017-18-19 सरकार द्वारा दी गई जल मिला जो होता है, लगभग हमने जिस जगह पानी की ज़्यादा दिक्कत होती है उस जगह हमने लगवाने का काम किया है। और स्कूल में खास करके बच्चों के लिए भी हैंडवाश का, जल मिला का निर्माण का कार्य किए हैं। कुप निर्माण हुआ है जी? कितनी संख्या में कुप निर्माण? लगभग ज़्यादा नहीं हुई है, कम 7-8 हमारे कार्यकाल में। पंचायत की सड़कें कैसी हैं? पैबर ब्लॉक और PCC पथ का कितना निर्माण हो पाया? PCC जिस जगह मैंने जरूरी लग रहा था लोगों को, जिस जगह मैंने ज़्यादा कठिनाई दिक्कत हो रही थी उस जगह हमने कर दिया है। फिलहाल जो है जो PHD विभाग से जो नल जल का कार्य हो रहा है उस स्थिति में भी जो है सो बहुत सारे रोड जो है सो खत्म कर गए हैं, उसको पानी चालू होने के बाद फिर से दोबारा ठीक कर दिया है। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है, और स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट लगवाए या नहीं पंचायत? जी जी, हमने स्ट्रीट लाइट लगभग 200 लगवाए पूरे पंचायत। तो ये जो 200 लाइट्स लगे थे वर्तमान में सभी लाइट्स काम कर रहे हैं? जी, कुछ कुछ पानी की वजह से डिस्टर्ब हो, बाकी क्या करना चाह रहे हैं उनके लिए जो डिस्टर्ब है? मिस्त्री से बात किए हैं, तो उसको मरम्मती कर रहे। आपके पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं? आपका 6 सरकारी विद्यालय और 6 आंगनबाड़ी संस्थान। आपके स्वयं से कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं इन शिक्षण संस्थानों को? सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में जो है सो जल का व्यवस्था किया गया है, डस्टबिन कचरा उचरा जो होता है उसकी व्यवस्था किया गया है, बाकी जो है सो हैंड वॉश का व्यवस्था किया गया है, ये सब चीज हुई। फिलहाल जो है सो हमने कन्या विद्यालय सामने है का मॉडलिंग लिए हैं, गोद लिए हैं जी जी। अच्छा, तो सरकार की बजट नहीं आने के कारण अभी स्थगित लॉकडाउन के कारण। पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी सर, ANM है यहाँ पर, पंचायत वासियों का इलाज हो रहा है जी। मुखिया जी, ग्राम पंचायत नगरी को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। प्रशंसनीय काम हुए, अपने स्तर से अच्छा प्रयास किया जा रहा है इनके सौजन्य से पंचायत का विकास करने के लिए, और पंचायत की जनता को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुबरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नगरी में हूँ, और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया ज्ञानचंद दास जी यहाँ पर उपस्थित है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय एक गांव विशेष में जहां हम लोग खड़े हैं, एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सॉलिड सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आइए मुखिया जी से बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इस निर्माण के विषय में। श्रीमान, ये जो निर्माण है बहुत बहुत सुंदर है, सामुदायिक शौचालय कब बना है? ये 19-20 का योजना है, 20-21 का योजना है। कितने की लागत से बना है ये? 2,89,000। 2,89,000 जी। ये जो जगह है इसका चयन करने के पीछे क्या मंशा थी आपकी कि सामुदायिक शौचालय यही होना चाहिए? इसका चयन करने की मंशा मेरी यही थी, जो मेरा सरकारी भवन अभी बगल बगल 3 है, पंचायत सचिवालय भी है, आंगनबाड़ी भी है और प्राइमरी स्कूल भी है, और लोगों को आना जाना जो है सो यहाँ 3 गलियों का मिला जमावड़ा मैंने होता है, इसकी वजह से लेकर के इससे जगह मैंने जगह हमको चूज करना पड़ा। क्या इसका ये आम लोगों के लिए उपलब्ध है? उपलब्ध है, यूज कर रहे हैं लोग? यूज कर रहे हैं। मुखिया जी को आप सुन रहे थे, ये जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है उसके बारे में बता रहे थे, इस जगह विशेष पर ही इसका निर्माण क्यों हुआ इसके बारे में बता रहे थे, कितना लागत हुआ उसकी जानकारी आपको दे रहे थे। इन्होंने बताया कि इस जगह को चुनने के पीछे कारण ये है कि देखिए आप अगर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय एक क्या है, ये आंगनबाड़ी भवन यहाँ पर है, पास में आप देखेंगे उधर
पंचायत भवन भी यहाँ पर है, और अगर आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा एक भवन जो दिख रहा है वो इस एक प्राइमरी स्कूल है। और ये जो मार्ग है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो मार्ग है इस मार्ग से होकर इस पंचायत के तीन टोला के लोग इस मार्ग से होकर आवागमन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जगह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और यही वजह है कि ये जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है मुखिया जी ज्ञानचंद दास और जल सहिया गीता देवी के सौजन्य से, वो इस जगह पर विशेष स्थान पर हुआ है। और इस जगह पर होने के कारण यहाँ पर बहुत से लोगों को इसका लाभ हो रहा है। बहुत ही आकर्षक निर्माण है, बहुत ही सॉलिड निर्माण है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण है, और बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं इस पंचायत की जनता। और यही कारण है कि इनका जो ये निर्माण है इसकी प्रशंसा हो रही है। मुखिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये सामुदायिक शौचालय आपके पंचायत में और भी कहीं बना है क्या? एकमात्र है ये? मुखिया जी के अनुसार ये जो सामुदायिक शौचालय आप देख रहे हैं ये इस पंचायत का एकमात्र सामुदायिक शौचालय है, लेकिन बहुत ही अच्छा है और सही जगह पर होने के कारण बहुत ही लोगों को लाभ भी से मिल रहा है। अच्छा निर्माण है, ऐसे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए। पंचायत के लोगों के बीच इनका जो ये कार्य है इसका बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है हर तरफ।